नमस्कार, जय माता दी। मैं डॉक्टर रेणु गुसाई अपने चैनल पंजाबी छटोरे में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मुलायम, रूई जैसी सॉफ्ट स्पॉन्जी इडली, बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। इडली बनाने के लिए सबसे पहली बात ये है कि हमें 3:1 की रेशो लेनी है, यानी कि 3 गुना चावल, 1 गुना दाल लेनी है। अब चावल के लिए मैंने यहाँ पर मोटा राइस और बॉइल्ड राइस, जिसको बोलते हैं, या इडली राइस भी बोलते हैं, वो लिया है। 3 कटोरी मैंने यहाँ पर चावल लिए हैं। और चावल के बारे में ये है कि अगर आपके पास पार्बॉइल्ड राइस नहीं है या इडली राइस नहीं है, तो आप किसी भी तरह का कोई भी चावल ले सकते हैं। चाहे आप बासमती चावल ही ले लीजिए, लेकिन उसको जरा बारीक पीसने में थोड़ी सी समस्या आती है, तो उसको थोड़ा ज्यादा भिगोना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी दाल ली है। ये दाल हमने यहाँ पर उड़द की, ये धुली हुई दाल या कटी हुई दाल जिसको बोलते हैं, बिना छिलके की, वो ली है। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर 1 चम्मच साबुत मेथी दाना लिया है। तो मेथी दाना तो डाला ही है, वो हेल्प भी करता है, और बाई करने से जो चावल है या दाल है उसकी जो बाई बादी है उसको भी ये दूर करता है, टेस्ट में भी एनहांस करता है, और इसके साथ साथ जो है वो फर्मेंटेशन में भी हेल्प करता है। तो यहाँ पर मैंने ये 3 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल और साथ में 1 चम्मच मेथी दाना डालकर अलग-अलग भिगो दिया है, क्योंकि पीसने में चावल थोड़ा जल्दी पीस जाता है, दाल को थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए पीसने के लिए अलग-अलग जो है हमने यहाँ पर भिगो दिया है। और कम से कम यहाँ पर हम इसको अब 7 से 8 घंटे तक भिगो कर रखेंगे, और उसके बाद इसको ग्राइंड करेंगे। यहाँ पर दाल और चावल को भिगोए हुए मुझे 7 घंटे हो गए हैं। अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि दाल और चावल को कम से कम आप 7 घंटे तक भिगोएंगे, और उसके बाद आप फर्मेंट करेंगे। इसलिए अब सबसे पहले हम दाल को यहाँ पानी में से निकालेंगे और मिक्सी में डालकर ग्राइंडर में हम इसकी फाइन पेस्ट बनाएंगे। दाल हम पहले पीसेंगे, क्योंकि दाल स्टिकी होती है, और उसके बाद चावल पीसेंगे, तो अच्छी तरह से हमारा जो जार है वो भी साफ हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत पतला नहीं पीसना है इसको। दाल की हमने यहाँ पर फाइन पेस्ट बना ली है। अब इसी तरह से हम चावल को भी पीस लेंगे और फिर हम इसको मिक्स कर देंगे। दाल और चावल हमने यहाँ पर देखिए पीस लिए हैं। अब हम इनको 5 मिनट तक इस तरह से आपस में मिला देंगे, मिक्स करेंगे और बीट करेंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि इनके अंदर जो है एयर पॉकेट्स बन जाएं, जो इसकी फर्मेंटेशन में हेल्प करेंगे। और आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस भी पतीले में, जिस भी बर्तन में आप ये पिसा हुआ दाल और चावल निकाल रहे हैं, उसके ऊपर कम से कम 4 इंच की जगह होनी चाहिए। अगर गर्मियां हैं तो 7-8 घंटे में ये फर्मेंट होती है, और अगर सर्दियां हैं तो ज़्यादा टाइम लेती है, इसलिए सर्दियों में आप इसको किसी गर्म जगह पर रखें। आजकल क्योंकि गर्मियां हैं इसलिए फर्मेंटेशन का टाइम कंपैरेटिवली कम है, लेकिन फिर भी 7-8 घंटे ये लेगी। तो अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कम से कम 7-8 घंटे के लिए ढक कर रखेंगे, जब तक हमारा इसका वॉल्यूम जो है वो यहाँ तक ना पहुँच जाए। नहीं तो क्या है कि अगर आप इसी तरह से बनाएंगे तो वो इतनी टाइट बनेंगी, यू वॉन्ट बी एबल टू ईट दैट, उसको खा नहीं पाएंगे आप। तो इसलिए फर्मेंटेशन का इसमें खास ध्यान रखा। ट्रेडिशनल इडली बनाने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक प्रो टिप देना चाहूंगी, क्योंकि इडली का बैटर बहुत टाइम लेता है फर्मेंट होने के लिए। तो गर्मियां हैं अगर, तो आप इसके अंदर नमक डालकर इसको फर्मेंट करिए, तो भी ये 10 से 15 घंटे ले जाता है। और अगर सर्दियां हैं तो नमक डालना ही है, और नमक भी आप आयोडाइज साल्ट नहीं डालेंगे इसके अंदर, आप सेंधा नमक डालेंगे, क्योंकि अदरवाइज आयोडाइज नमक जो है वो फर्मेंटेशन को रोक देता है। इडली का बैटर हमारा देखिए कितना अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है। आप इस बात का ध्यान रखें कि इसके ऊपर ये देख रहे हैं जो से स्मॉल बबल आपको दिख रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। और इस तरह से ये देखिए फर्मेंट हो गया है। अब इसके अंदर मैंने सिर्फ मेथी दाना, चावल
और उड़द की दाल को ही पीसा था। इसके साथ अगर आप चाहें तो साथ में आप पोहे का प्रयोग कर सकते हैं, उस टाइम भी भिगो सकते हैं। मैंने पहले नहीं डाला इसको, मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो दिया था। पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि मुझे आधा बैटर यूज करना है। अगर हम इसको पहले डाल देते हैं तो बैटर जो है वो जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए अब इसमें से आधे को हम यहाँ पर ग्राइंडर जार में डालेंगे और पीस लेंगे, बाकी का मैं बाद में इसमें प्रयोग करेंगे। इसमें से मैंने आधा पोहा यानी कि आधा कप पोहा लेकर उसमें आधा कप पानी मिलाकर मैंने इसकी फाइन पेस्ट बना ली है। अब हम इसको इस बाउल के अंदर ट्रांसफर करेंगे। और इसमें से आधा बैटर हम बाउल के अंदर डालेंगे क्योंकि मुझे आधे बाउल से यानी कि इसमें से आधे बैटर की इडली बनानी थी, इसलिए मैंने पोहा पहले नहीं डाला, पोहा मैंने बाद में भिगो कर डाला है। अगर आपको सारे बैटर की मान लीजिए इडली बनानी है तो आप पोहे को पहले साथ में भी भिगो सकते हैं क्योंकि इससे फ्लफीनेस आती है और फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। और यहां पर मैं आपको एक प्रो टिप दूंगी कि अगर आपको इडली ट्रेडिशनल तरीके से बनानी है, वैसे तो इडली का बहुत सारा पैकेट भी मिल जाते हैं, आप रवा इडली भी बना सकते हैं, तो अब इंस्टेंट के लिए तो रवा इडली बहुत अच्छी है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आपने ट्रेडिशनल इडली बनानी है तो आप 2-3 दिन का टाइम आप मान के चलिएगा कि सुबह आप इनको चावल और दाल को भिगोइए, शाम को आप पीसिए, और उसके बाद सारी रात ओवरनाइट फर्मेंटेशन के लिए आप किसी गर्म जगह पर रखिए। और अगर आप किसी सर्द प्रदेश में रहते हैं जहां पर गर्मी नहीं है, ठंड ज्यादा है, तो वहां पर प्री हीटेड ओवन के अंदर आप इसको रखकर बंद करें बैटर को। इसलिए ये बेटर है कि आप फर्मेंटेशन इसकी 2 दिन पहले से ही तैयारी इसकी शुरू कर दें ताकि जब आप बनाएं तो आपकी फर्मेंटेशन जो है बैटर की बहुत जरूरी है। अगर फर्मेंट नहीं हुआ तो ये इडली बिल्कुल नहीं बनेगी, बिल्कुल टाइट हो जाएगी, आप इसको नहीं खा पाएंगे। और अगर फर्मेंटेशन पहले हो गई है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ती, आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा और उसके बाद फ्रिज में से कम 2 घंटे पहले, घंटा पहले आप निकाल कर बाहर रख दीजिए जब आपने इसको यूज करना है, तो उसमें जो है आपका कोई मैस क्रिएट नहीं होगा। अब हमने यहाँ पर जो पोहा का बैटर यहाँ पर डाला है, अब इसमें से हम आधे को यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से 5 मिनट तक फेंटेंगे जब तक और बबल ना उठ जाए इसके, क्योंकि हमने पोहे का जो मिक्सर इसमें डाला है उसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इडली के बैटर के अंदर हमने पोहा मिक्स करने के बाद इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। आप ये ध्यान रखें इसको एक ही डायरेक्शन में हमने मिक्स करना है और अब हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि पोहा और इडली का जो बैटर है वो अच्छी तरह से आपस में एडजस्ट हो जाए। इडली बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इडली कुकर का इस्तेमाल किया है। इसके अंदर मैंने आधा लीटर पानी डाला है, आप इससे ज़्यादा भी थोड़ा डाल सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो पानी है वो इस तह से बिल्कुल नीचे होना चाहिए, इसके ऊपर तक पानी आ जाएगा तो इडली गीली हो जाएगी। तो इसलिए अब सबसे पहले हमने यहाँ पर पानी डाला है, इसको हम कम जो छोटा बर्नर है उसके ऊपर रखेंगे और बिल्कुल कम फ्लेम पे इस पानी को गर्म होने देंगे। तब तक ये गर्म होता है, अब हम इसके अंदर इडली का बैटर डालते हैं। इडली का बैटर सबसे पहले हम जो उसका सबसे नीचे वाला यूटेंसिल है, जो नीचे वाला सांचा है उसमें डालेंगे। उससे पहले हम इसकी ऑयलिंग करेंगे अच्छी तरह से, हम इसके चारों तरफ और थोड़ा सा बाहर बाहर भी हम इसको ऑयल लगा देंगे। ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर नारियल का तेल ही लिया है ताकि प्रॉपर जो है साउथ इंडियन टेस्ट ही आए जो मैंने टेस्ट किया हुआ है। जरा जरा सा बाहर भी लगाएं क्योंकि जब फूल जाती है इडली तो उसको अलग करना मुश्किल हो जाता है। अब हम इसके अंदर इडली का बैटर डालेंगे, एक एक चम्मच बड़ा,
इसी तरह से बाकियों के ऊपर भी हम ये ऑयलिंग करेंगे और इसके अंदर इडली बैटर डालते जाएंगे। थोड़ा सा सांचे से कम रखिएगा, क्योंकि जब ये फ्लफी होगी तो फूल जाएगी, फूलने से ये एक दूसरे के साथ टच कर जाती हैं। इडली के सभी सांचों में मैंने इडली का बैटर डाल लिया है। अब हम एक के ऊपर एक इसको सेट करेंगे। सेट करते हुए इस बात का ध्यान रखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर ये डाला है, तो हम इडली के ऊपर इडली नहीं रखेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे। जो इनके अंदर जो ये मोरियां हैं, जो भी है, इससे स्टीम जो है वो सभी ऊपर नीचे इडलियों को पहुंच जाएगी। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप इडली के ऊपर इडली सेट नहीं करेंगे। और फिर इसको ये इस तरह से घुमा देंगे। सारे इडली के जो बैटर को मैंने सभी सांचों में डाल दिया है। एक बारी मैं फिर बता रही हूँ, आप इस बात का ध्यान रखें कि इडली के ऊपर इडली नहीं आनी चाहिए। जहां पर ये छेद है जिस भी सांचे के अंदर, अगली नेक्स्ट इडली का जो प्लेट है वो उस सांचे के जहां पर छेद है उसके ऊपर आनी चाहिए, ताकि सभी इडली को प्रॉपर जो है बराबर स्टीम मिल सके। यहां पर मैंने पानी हमारा गर्म हो गया है कुकर में। अब हम इसके अंदर बड़े ध्यान से इसको उठाएंगे और सीधा इसके अंदर रख देंगे। और अब इसका ढक्कन बहुत टाइट दोनों तरफ से दबाकर हम इसका अच्छी तरह से दबाकर ढक्कन लगाएंगे और इसको मीडियम आंच पर सबसे छोटे बर्नर पर रखकर और मीडियम आंच के ऊपर हम इसको पकाएंगे 8 से 10 मिनट तक। इस बात का ध्यान रखें कि अगर इसका पानी सूख गया तो ये कुकर भी जल जाएगा और इडलियां भी टाइट हो जाएंगी। तो आपने 8 से 10 मिनट तक ही इसका टाइम देना है। कुछ इडली मैंने यहाँ पर कढ़ाई के अंदर नीचे गर्म पानी डालकर, ऊपर छलनी रखकर, यहाँ कटोरी में घी लगाकर यहाँ पका ली है। अगर आपके पास वो कुकर नहीं है तो आप आराम से इडली को जो है इसके अंदर बना सकते हैं। और अब इसको बंद करके हमें 2-3 मिनट हो गए हैं। अब हम बड़े ध्यान से आपने इसको खोलना है, क्योंकि इसके अंदर ये गर्म पानी है और स्टीम है। इसको हमने सबसे सीटी आने के बाद 10 मिनट हमने बिल्कुल कम गैस पे पका लिया है। अब देखिए ये हमारी इडली तैयार हो गई है। इनको हम एक किचन नैपकिन की सहायता से इनको बाहर निकाल लेंगे। देखिए इडली हमारी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कि इडली फ्लफी होने के बाद किस तरह से ऊपर से ये फूल गई हैं। अब इनको हम अलग कर लेंगे। इडली मेकर्स के अंदर से हमने इडली स्टैंड को इडलियां बनने के बाद बाहर निकाल लिया है। अब आप उसको इमीडिएट प्लेट में ट्रांसफर नहीं करें, आप 2 मिनट तक इंतजार करें, ताकि वो अपनी साइड अपने आप छोड़ देंगी। और उसके बाद किसी पतले चम्मच या पतले चाकू या नाइफ की सहायता से आप इसको इस तरह से निकालें। देखिए ये कितने आराम से अपने आप ही साइड छोड़ रही है। देखिए कितनी फ्लफी हमारी ये इडली बन गई है। मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाते हैं। अब हम इनको एक नाइफ के से धीरे धीरे साइडों से करते हुए अलग करेंगे। ये देखिए कितनी फ्लफी हमारी। ये तैयार है हमारी बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल से इडली और नारियल की चटनी। आप इसको बनाइएगा, बना के खाइएगा। फर्मेंटेशन का ध्यान रखिएगा। देखिए कैसे फर्मेंटेशन अगर अच्छी होगी तो इस तरह से ये जाली ऊपर आएगी, नहीं तो ये इडली दब जाएंगी। लीजिए तैयार है हमारी फ्लफी मुलायम ट्रेडिशनल इडली। आप इनको बनाइएगा, बस एक ही बात का ध्यान रखिएगा कि इसकी फर्मेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, नहीं तो ये बहुत टाइट हो जाती हैं। आप इनको बनाइएगा, इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है और आप इसको एंजॉय कीजिएगा। लेकिन संडे को एंजॉय करना है तो फ्राइडे से प्रोसेस शुरू कर दीजिएगा, तभी ये बहुत अच्छी बनती हैं। आप ये इडली ट्रेडिशनल इडली साउथ इंडियन स्टाइल से आप इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत अच्छी बनती है और उनका टेस्ट भी बहुत लाजवाब आता है।
आपको ये जरूर पसंद आएंगी और आप मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।